कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ धम्बिन निजमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। रामचरित मानस से लिए इस दोहे का भावार्थ है कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त कर दिया है, आध्यात्मिक ग्रंथ लुप्त हो गए हैं और धम्बियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तर कांड में काकबू शुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भी भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। कलयुग यानी काला युग, कले कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ एक चौथाई अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल बुध शुक्र बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है, वही मनुष्यों का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ एक महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष ही बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 432,000 साल लंबा चलेगा। दर्शकों इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा 2016 5118 वर्ष बीत चुके हैं और 426,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 884,000 वर्ष देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वहीं त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है जिसमें मनुष्य के 1,296,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है जो मनुष्यों के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल युग 12,000 दिव्य वर्ष जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है मिलकर एक महायुग बनाते हैं। मित्रों अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। क्या होगा कलयुग के अंत में? सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष के मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर भूना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलि के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कैसा होगा मनुष्यों का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी, वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का व्यवहार गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का बाढ़ ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का
और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है मित्रों, मानो वर्तमान की बात ही लिखी गई हो। कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3/4 हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संतर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। तो मित्रों, आज हमने कलयुग की कई ऐसी बातों को जाना जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा और भी ज्यादा पाप, ज्यादा द्वेष और अधर्म इस धरती पर बढ़ता जाएगा। लेकिन मानवता जीवित रहेगी और उसे जिंदा रखेंगे वो चंद लोग जो धर्म और नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि द डिवाइन टेल्स परिवार के सभी लोग ऋषि मुनियों के दिखाए धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे और इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश देने का काम करेंगे। इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं मित्रों आज की ये वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और जुड़ें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ YouTube और Facebook पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।